सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये एक वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास एक ऐसा साल है जब विकास पिछड़ गया। हिमाचल प्रदेश जो विगत 5 वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ रहा, उसके सभी कार्यों को बंद करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। ये सरकार सत्ता में आई, बड़ी बड़ी गारंटियां, बड़े बड़े लालच वो जनता को दिए। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां हम पहले साल दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे। इन्होंने कहा था 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट में दे देंगे। 700 करोड़ रुपए का फंड युवाओं के लिए हम पहली कैबिनेट में जनरेट कर देंगे। जनता को धोखा देकर के सत्ता में आए, 1 साल हो गया, इनकी गारंटियां फेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विरोध दिवस के नाते 11 तारीख को मनाई। सभी प्रशासनिक जिलों और संगठनात्मक जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रदर्शन करेगी।